ये कैसी आवाज थी? मम्मी कहती है कि बुराई के बादल अच्छाई के सूरज को छुपा तो सकते हैं, लेकिन उस अच्छाई के सूरज को मिटा नहीं सकते। और ये जो आवाज थी वो भी बुराई के बादल हटने की आवाज थी। वो देखो, इसका मतलब बालवीर भी अब बगदाद से लौटने वाला होगा। भट्टर, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने नहीं, हम सब ने। शाबाश बालवीर, शाबाश। अब सारी जंगें ऐसे ही जीतनी है। वैसे विवाह, अलादीन और जीनी ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। क्या? वाओ। इसको किसने से कोई जिन निकलता है क्या? कोई बात नहीं, मैं इसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझ कर ही रख लेता हूँ। विवान, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं विवान। थैंक यू। और आप सबको मेरी बर्थडे पार्टी में आना है, ठीक है ना? अरे ये भी कोई कहने की बात है? ग्रेट, अब मैं निकलता हूँ। ना जाने मम्मी ने मेरी याद में कितने बकेट आंसू बहा दिए होंगे। फिक्र मत करो विवान, करीना जी को कुछ पता नहीं चला है, पर मैंने तुम्हारे जन्मदिन के समारोह की सारी तैयारी भी कर दी है। समझे कि नहीं समझे? करुणा जी परेशान ना हो, इसलिए हमने डूबा डूबा को धरती पे भेज दिया था। क्या? तो मुझे और भी जल्दी जाना होगा। ना जाने डूबा डूबा जी ने धरती पर मेरा कितना नाम डूबा दिया होगा। हाँ? आपने क्या बना दिया? मेरे फ्रेंड्स अपने बर्थडे केक पर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन का चेहरा बनाते हैं। मेरा मतलब कि किस कार्टून का चेहरा बना दिया ये? अरे अरे अरे, बोलो नहीं, सुनो। सुबह से 3 केक बनवा चुका है तू, और तेरे ही कहने पे तो ये कार्टून बनाया ना मैंने। तूने तो ड्रॉ करके दिया था ना मुझे। लेकिन मैं तो यहाँ था ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्या, तू नहीं था तो फिर कौन था यहाँ पे? मेरा मतलब कि मेरी बॉडी यहाँ थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। कहाँ था ध्यान? बगदाद, बगदाद में। हाँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मेरी बर्थडे पार्टी की इम्यूनिटी है अलादीन। अलादीन? वो जीन वाला अलादीन? हाँ दीदी, वही। अच्छा, और जो पहले से 3 केक बने हुए उनका क्या होगा? एक काम करते हैं, हम उन केक्स को अनाथ बच्चों में बांट देते हैं, मुझे उनसे दुआ मिलेगी। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है? ठीक है, डन। लेकिन चौथा केक मेरी मर्जी का होगा, कोई अलादीन वलादीन की थीम पर नहीं। लेकिन मम्मी, बर्थडे बॉय तो मैं हूँ ना? हाँ हाँ, बर्थडे बॉय तो तू है, लेकिन बर्थडे बॉय की मॉम तो मैं हूँ ना। बट मम्मी, नो इफ नो बट, जो केक बनाऊंगी वो ही होगा कट। क्या? ओके।
परियो, जब मेरी अनुपस्थिति में तिम्नासा ने कोई चाल चलने की कोशिश की? नहीं बालवीर। तीनों काल में यात्रा करने के कारण और भविष्य काल का द्वार बनाने में तिम्नासा ने अपनी बहुत सारी शक्ति खर्च कर दी है, इसलिए अभी वो बेहद कमजोर हो चुकी है बालवीर। तो हमें तुरंत अपना अधूरा काम पूरा कर देना चाहिए और अभी जाकर तिम्नासा को बंदी बना लेना चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम अभी अभी बगदाद से इतनी बड़ी जंग लड़के आए हो, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। नहीं पानी परी, जब तक मैं बुराई को खत्म नहीं कर देता मुझे आराम नहीं मिलेगा, और हो सकता है अगर हम देर करें तो तिम्नासा की शक्तियां वापस बढ़ जाए। इसलिए हमें बिना देरी के तिम्नासा को बंदी बना लेना चाहिए। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, बहरानी उसमें कब आएंगी? उसमें? होश में? हाँ, पता नहीं। तिम्नासा को अब कभी होश ना आए तो ही अच्छा होगा। वैसे भी बालवीर से अनगिनत बार मात खा के अब तक शर्म से खुद प्राण त्याग देने चाहिए थे। खैर बहरानी, देर से जाए पर जाए तो सही, ताकि काल लोग की राजगद्दी पर मैं चढ़कर बैठ सकूं। क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि अरे तुमने गलत सुना जबदाली, मैं यह कह रहा था कि काल लोग के राज सिंहासन पे बैठ के मैं धूल साफ करूंगा, ताकि आप आराम से उस पे विराजमान हो सके। इतने भी क्या जल्दी है भैमार? ए भैराजा, राजगद्दी के लिए लाल टपकाना बंद कीजिए, अभी समय है काल लोक की रक्षा के लिए खून टपकाने का। आज पूरे ब्रह्मांड को तिम्नासा से ही नहीं भैमार से भी छुटकारा मिल जाएगा। बोधी बॉय की प्यारी मम्मी, क्या है? आप कौन सा केक बना रहे हो? वो तो बता दो प्लीज। मैंने कहा था ना, केक मेरी मर्जी का बनेगा। ऑफ कोर्स मम्मी, मुझे तो लगता है कि मेरे हर बर्थडे पर केक आपकी ही मर्जी से बना दिए। हाँ, अगर आप नहीं होते तो मैं कैसे होता? और अगर आप अपनी मर्जी से आलमंड केक बनाओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप अपनी मर्जी से उस केक में एक चॉकलेट लेयर लगाओगे ना तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से आलमंड केक बना दूंगी। यस, मेरी एक शर्त है। अरे मम्मी, आप दो शर्त रख दीजिए ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ आपके लिए। तो मेरी शर्त ये है कि आज शाम तक आप कोई शरारत, कोई बदमाशी, कोई नुकसान नहीं करेंगे, समझे? यस मम। आप केक पर फोकस कीजिए और आपकी शर्त का समय शुरू होता है अब। खुशी, तू जाके विवान पर नजर रख। भैया, अब हम करेंगे विवान की बर्थडे पार्टी का सत्यानाश। गधे चाहे कितने भी चने क्यों ना खा ले, वो घोड़ा नहीं बनता। यही हाल तुम्हारा है भैमार। मेरा हाल छोड़ो, अपना ख्याल कर बालवीर, क्योंकि आज तेरी धज्जियां उड़ने वाली हैं काल लोक में। ये भैराजा तो बालवीर से ऐसे मार खा रहे जैसे धोबी के हाथों कपड़े। ये धपा धप, ये धपा धप। अब तो हमें बालवीर से एक ही प्राणी बचा सकता है। कौन? चल बताता हूँ।
परियो, बहुत हो गया खेल, अब इस जड़ को ही खत्म करते हैं। बालवीर, हाँ तिम्नासा, सोचा तुम्हारी जैसी बीमारी का जितना जल्दी इलाज हो जाए उतना अच्छा होगा। ऊंट अगर बैठा हो तो भी वो ऊंचा ही रहता है बालवीर। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तिम्नासा अगर कमजोर है तो तुम उसे कैद कर पाओगे? अक्रूर, तुम जानते हो इनका क्या करना है। हाँ दीदी। हाँ दीदी, मुझे पता है, मम्मी ने आपको मेरे बर्थडे गिफ्ट की चॉइस पूछने के लिए भेजा ना, तो लिखिए। तो मेरी फर्स्ट चॉइस है एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, अगर वो नहीं तो मेरी सेकंड चॉइस है एक इलेक्ट्रिक गिटार, अगर वो भी नहीं। दीदी, खिड़की के पर्दे नहीं है, कान के पर्दे हैं, अगर फट गए ना तो दूसरे नहीं मिलने वाले। मम्मी ने मुझे तेरी गलतियों का हिसाब किताब लिखने के लिए भेजा है। ओके, वैसे भी मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया था कि आज रात तक नो पंगा, नो बदमाशी, नो नुकसान। पंगा तुम नहीं, हम करेंगे विवान। बदमाशी हम करेंगे, लेकिन नुकसान तेरे हाथों होगा विवान। वो देख रहे हो भैया, उस सीढ़ी पे हमने तेल लगाया है, अब विवान का तेल निकलेगा। ठीक है। अरे आंटी, शाइन आंटी, शाइन विवान, मेरी सारी सब्जियां गिरा दी विवान तुमने, अब मैं क्या खाना बनाऊंगी विवान। सॉरी आंटी, मैं उठा देता हूँ ना। सॉरी आंटी। विवान, तूने छेड़ अंकल की दो शर्ट और एक पैंट गंदी करी है। पद्मिनी आंटी का चार पापड़ खराब करे हैं और सब्जी वाली आंटी का एक टमाटर और एक नींबू खराब कर दिया। सॉरी ना दीदी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। विवान, अब गलती तो गलती होती है, अब चाहे वो जानबूझ के हो या अनजाने में हो, ऐसी गलती देखकर तो तेरे को अगले 3 बर्थडे तक केक नहीं मिलेगा। क्या अब दीदी, अब ठीक बोल रही है, मैंने गलती की है तो मुझे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए, अब और कुछ चारा भी तो नहीं है। तो ठीक है दीदी, आपने मेरी गलती तो लिख ली, आप अपनी खुद की गलती भी लिख लीजिए। मैंने कौन सी गलती की? नीचे देखिए। पर मैंने जानबूझ के नहीं किया। अब दीदी, आपने ही तो बोला था कि गलती तो गलती होती है, चाहे वो जानबूझ के हो या अनजाने में।
तो ठीक है दीदी, एक काम करते हैं, नया हिसाब शुरू करते हैं। अब ठीक ही तो है, अब खुद गलती करके दूसरों की गलती निकालने का किसी को नहीं होना चाहिए। कभी कभी लगता है कि तिमना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग दीदी है। अपने अंतिम समय में हर कोई मंदिर में जाकर ही अपनी शरण लेता है। ठीक तो ना? हाँ। अरे हमें तुमने ऐसा को रोकना होगा। तिमनासा कहाँ गायब हो गई है? बालवीर, हम जितना तिमनासा को कमजोर समझ रहे थे वो उतनी कमजोर नहीं हुई अभी तक। लेकिन जब हम यहाँ काललोक में आए थे तब तिन्ना समय इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो उठकर बैठ सके, लेकिन जैसे वो यहाँ सर्वकाल मंदिर में आई, यहाँ की दीवारों को छूते ही उसके अंदर शक्ति की लहर दौड़ पड़ी। इसका मतलब तिमनासा की शक्ति का स्रोत इसे सर्वकाल मंदिर के अंदर कहीं छुपा हुआ है, लेकिन तिमनासा आखिर गई कहां? मूर्ति के पीछे की जगह इतनी अजीब, ये क्या है? Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.